और महाराष्ट्र सरकार नई हाउसिंग पॉलिसी लाने की तैयारी में है। जी बिजनेस के संवाददाता सौरभ पांडे ने खास बातचीत में महाराष्ट्र हाउसिंग विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वल्सा नायर सिंह ने बताया है कि नई पॉलिसी में सस्ते घरों पर खास फोकस होगा। आइए सुनते हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे कि हाउसिंग पॉलिसीज़ को लेकर सरकार की तरफ से किस तरह से जो है अन्य योजना बनाने की तैयारी की गई है। सरकार एक नए हाउसिंग पॉलिसी के काम अभी शुरू किया है, क्योंकि कोविड के बाद हमारी जो वर्किंग स्टाइल, लाइफस्टाइल, रिमोट वर्किंग फ्रॉम होम, ये सब नया बदल चुका है। तो उस दौरान नया हाउसिंग पॉलिसी का हाल ही में शुरू किया। हाउसिंग पॉलिसी में जो अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्टेनेबल हाउसिंग और इनोवेशन इन हाउसिंग, ये सब हमारी फोकस एरियाज रहेंगे। नई पॉलिसी की जो ड्राफ्ट बनाई जा रही है, उसके अलावा अगर कोई नए चेंजेस हम देख पाएंगे हाउसिंग सेक्टर में या रियल एस्टेट में? बहुत सारे चेंजेस हाउसिंग सेक्टर में ऑलरेडी हम रोल आउट कर चुके। एक चेंज है SRA जो स्कीम है महाराष्ट्र का, उसमें जो एनेक्शर 2 जिसमें लोगों की पात्रता के बारे बोलते हैं, वो एनेक्शर 2 हम लोग ऑटो एनेक्शर अभी एक महीने के अंदर अंदर करेंगे, कि ऑटो एनेक्शर में उसमें जो एलिजिबिलिटी के कंप्लेंट्स बहुत सारे कम होंगे और बहुत फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका जो पात्रता निश्चित किए जाएंगे। दूसरा हम ये किया कि जो एनेक्शर 2 होगा वो 7 दिन के अंदर हम लोग पब्लिक डोमेन में हम लोग ये डाल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा ट्रांसपेरेंसी इसमें हो जाएगा।